नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ आया हूँ। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट के विषय में बताने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत सारी जगहों पर यूज़ में आता है। जैसे आप ड्रिप लाइन का यूज करते हैं, ड्रिप इरीगेशन का, स्प्रिंकलर इरीगेशन का, या आप अपने घरों पर कहीं पर पाइप लाइन लगाते हैं, लगाने के बाद आपको कोई वाल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो दोस्तों मैं आपको वो वाल बताने जा रहा हूँ, सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप पीवीसी वाल की जगह पे, या आप कोई भी वाल यूज कर रहे हैं, इस वाल का यूज आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। दोस्तों ये है बटरफ्लाई वाल, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई वाल। बटरफ्लाई वाल के नाम से हम जानते हैं, बहुत ही अच्छा वाल है, बहुत ही कम जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, हैवी प्रेशर में यूज कर सकते हैं इसको आप। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, बटरफ्लाई वाल अभी तक जो मार्केट में आ रहे हैं वो मेटल के बने हुए बटरफ्लाई वाल होते हैं। मेटल के बने हुए बटरफ्लाई में प्रॉब्लम क्या आती है, उसको हम इंस्टॉल करते हैं फील्ड में, इंस्टॉल करने के बाद कहीं भी हम उसको लगाते हैं, लगाने के बाद थोड़े समय बाद क्या होता है, जंग लग जाता है। जब भी जंग उसमें लगता है तो वो टाइटनेस आ जाता है, हैंडल घूमना बंद हो जाता है, जो स्मूथ हैंडल घूमना चाहिए वो हैंडल घूमना बंद हो जाता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, थोड़ी समय में हमको बटर वाल चेंज करना पड़ता है, हमारा डबल प्राइसिंग लग जाती है, डबल पैसा यूज में लगता है। तो अभी जो नया प्रोडक्ट हमारा जो लॉन्च हुआ है, कंपनी ने लॉन्च किया है, ऑटोमेट इंडस्ट्रीज ने, प्लास्टिक का बटरफ्लाई वाल, दोस्तों उस मेटल के बटरफ्लाई वाल से पूरी तरीके से आपको छुटकारा मिल गया है। इस प्लास्टिक का बटरफ्लाई वाल आप लगाएंगे, आप इसका यूज 10 साल तक कर सकते हैं। 10 साल करने का रीजन सबसे बड़ा यह है कि इस बटरफ्लाई वाल को हम रिपेयर कर सकते हैं, मार्केट से लाने के बाद अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको हम रिपेयर करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ पहले हम आपको इसके प्रोडक्ट के विषय में बताते हैं। इस प्रोडक्ट की जो बॉडी है, ये पूरी बॉडी प्लास्टिक से बना हुआ है। इसके अंदर जो डिस्क है, जो कंट्रोल डिस्क लगा हुआ है, ये भी प्लास्टिक का है, हैंडल भी प्लास्टिक का है। ये जो यहाँ पर हैंडल कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पर सॉफ्ट जो लगा हुआ है, ये आपका SS का है, नट बोल्ट इसमें SS के हैं। जो अंदर सॉफ्ट पड़ा हुआ वो SS का है, नीचे नट बोल्ट SS के लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें कम्प्लीटली आप ये देख सकते हैं, कहीं से भी जंग लगने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आप बटरफ्लाई वॉल, चाहे ड्रिप इरीगेशन में, स्प्रिंकलर इरीगेशन में, या आप अपने घर में कहीं भी पानी को कंट्रोल करने के लिए वॉल लगा रहे हैं, तो आप बटरफ्लाई वॉल का उपयोग कर सकते हैं। पहली चीज़ ये मजबूत होता है, दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जंग नहीं लगता है, स्पेशल प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और ये अगर आपका कई बार किसी कारण, किसी रीजन से ये खराब हो जाता है, तो इसमें ये नट लगे हुए हैं, इसको खोल के आप आसानी से कंपनी से कॉन्टेक्ट करके उस पार्ट को मंगवा के चेंज कर देंगे, फिर से बटर वाल आपका नया हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी जगह पे उपयोग में आता है, और मेरी यही सलाह है कि आप लोग मेटल के बटरफ्लाई वॉल की जगह पे आप प्लास्टिक का बटरफ्लाई वॉल उपयोग में लाएं। इसको लाने से आपका कॉस्ट में सेविंग होगी, सालों साल चलेगा, और आपके लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है जो ड्रिप इरीगेशन यूज़ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।